हाय गाइज, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट इंटरव्यू जो 25 जून को हुआ है, उसका कुछ प्रश्न उत्तर हमें मिला है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आइए चलिए देखते हैं। जो क्वेश्चन था वो था, चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? तो चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने किया था। तराइन का युद्ध, दूसरा युद्ध कब हुआ था और किसके मध्य हुआ था? जो तराइन का युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था, और ये युद्ध जो हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुआ था और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया था, जो कि 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। अगर पहली युद्ध बाई चांस पूछ देता है तो पहली युद्ध जो है तराइन का वो 1191 ईस्वी में हुआ था, इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था, लेकिन उस समय अंतर यह था कि पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह के नाम से आप लोग जानते ही हैं कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। मंगल ग्रह का जो रंग लाल होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल का आइकन पर क्लिक करें, मतलब जो वीडियो के ऊपर कॉर्नर में जो बेल का आइकन होता है उस पर क्लिक जरूर करें, घंटी का जो आइकन होता है, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे और आप अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा आप। देखते हैं क्वेश्चन अगला, पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी किस दिन होता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी जो होता है वो 3 जनवरी को होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी कितना कब होता है, किस दिन होता है, तो वो 3 जनवरी को होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो, ओजोन मंडल किस मंडल के अंतर्गत आता है? ओजोन मंडल समताप मंडल के अंतर्गत आता है। अगला पूछा गया था, इसी में ओजोन मंडल की रेंज कितनी होती है? ओजोन मंडल की रेंज जो होती है वो 32 से 50 किमी के मध्य होती है, क्योंकि समताप मंडल की रेंज कितनी होती है वो 18 से 50 होती है, तो 18 से 50 जो होती है तो 18 से 50 के बीच में ओजोन मंडल होती है 32 से 50 किमी, क्योंकि समताप मंडल के ही अंतर्गत ओजोन मंडल पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो, प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी हैं? तो प्रायद्वीपीय नदियाँ में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि पूर्व की ओर से बहने वाली नदियाँ होती हैं, ये सब ये चारों जो नदी है वो पूर्व की ओर बहने वाली होती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी होती है, इसे प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? प्रस्तावना में संशोधन सर्वप्रथम 1976 में, जो कि एक ही बार किया गया था, 42वें संशोधन के तहत किया गया था, जिसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता ये तीन शब्द जोड़ा गया था। यहाँ पर दो क्वेश्चन बन जाता है, एक तो पहला ये तो है कि संशोधन कब किया गया और किस संशोधन के अनुसार किया गया था, तो और दूसरा ये क्वेश्चन कब बन जाता है कि ये तीनों शब्द कब जोड़े गए थे, तो वो 42वें संशोधन में जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन आइए चलिए देखते हैं, भारत में के कितने राष्ट्रपति की अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है? तो वो हैं सिर्फ दो, तो ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान जिनका डेथ हो गया था, वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। अगला जो क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? वो है भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और जिसको जिन्हें इसी पद के कारण वेतन दिया जाता है। जिस समय नीति आयोग का गठन किया गया उस समय इसके उपाध्यक्ष कौन थे? पिछला इंटरव्यू में देखिए पूछा गया था कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो वो 1 जनवरी 2015 था, और इसमें देखिए पूछा गया है कि नीति आयोग का गठन जिस समय किया गया उस समय इनके उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनघड़िया थे। और इसी से रिलेटेड नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये वो हैं डॉक्टर राजीव कुमार, ये भी पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है?
तो सर्वाधिक विधानसभा जिलों वाला सीटों वाला जिला वो है इलाहाबाद, जहाँ पर 12 सीटें हैं सबसे ज़्यादा हैं। और सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, तो वो है श्रावस्ती, जहाँ पर सिर्फ एक ही सीट है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सबसे बड़ा मंडल या संभाग कौन सा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल और मेरठ मंडल जो है सबसे बड़ा मंडल है, जिनमें 6-6 जिले हैं जिनके अंतर्गत। अगला चलिए देखते हैं, संख्या घनत्व का क्या अर्थ है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ पिछले किसी वीडियो में पूछा था कि जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो वो 829 है यूपी की जनसंख्या घनत्व। और जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है, प्रति वर्ग किमी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, मतलब एक प्रति वर्ग किमी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया कब होती है, क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया कब होती है, तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य तरंगों का श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है। जो टेलीविजन का ट्रांसमिशन होता है उसमें जो श्रव्य संकेत होते हैं, मतलब सुनने के लिए जो संकेत को प्रेषित करने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है, वो है आवृत्ति आरोपण, आवृत्ति के ही माध्यम से हम सुन सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो, एक्सरे की खोज किसने किया था, एक्सरे की खोज जिन्होंने किया था वो है रोएंटजन, 1895 ईस्वी में किया था। रोएंटजन ने 1895 ईस्वी में एक्सरे की खोज किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, विद्युत शक्ति की इकाई होती है वाट घंटा, वाट घंटा विद्युत शक्ति की इकाई होती है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, वायु में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में भी, इंटरव्यू में भी, ये उसके साथ साथ ये भी अगला जो क्वेश्चन है ये भी पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो वायु में ध्वनि का वेग देख लिए हम लोग कितना है, 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि यह दूरी का मात्रक होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया है, जो कंप्यूटर में ये पूछा गया कि कंपाइलर क्या है, कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद किसी कंप्यूटर की मशीनी भाषा में कर देता है, मतलब कि ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद किसी मशीनी भाषा में, मतलब मशीन लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट कर देता है वही कंपाइलर कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, रैम बढ़ाने से कंप्यूटर पर क्या असर पड़ता है, तो रैम आप लोग जानते हैं, मोबाइल भी यूज करें तो मोबाइल में भी रैम आप लोग जानते होंगे कि रैम बढ़ाने से मोबाइल या कंप्यूटर जो भी है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ इसमें देखिए एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जितने भी अपने वीडियो बनाए हैं वो सारे वीडियो के पीडीएफ मैंने इस लिंक के अंदर कर मैंने डाल दिया है। मैंने ये वेबसाइट है इच्छा सेंटर ऑफ एजुकेशन, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, और साथ में ये लिंक जो दिया हुआ है इसे आप लिख लें और इस पर भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं ये लिंक डालकर, तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें आप ये पीडीएफ जो भी है वीडियो का, इंटरव्यू का पीडीएफ वो आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। बाइनरी में कितने अंक होते हैं, बाइनरी में 2 अंक होते हैं ये तो जानते ही हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं, 0 और 1 अंक होते हैं। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, सबसे तेज मेमोरी होती है कैश मेमोरी। ये देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे तेज मेमोरी, हालांकि मेमोरी के बारे में तो जानते जरूर हैं लेकिन वो सबसे तेज मेमोरी के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, तो ये कैश मेमोरी जो सबसे तेज होती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो लैन, लैन का फुल फॉर्म बताइए, तो लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला जो एक बात है ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं मैं उसे मैंने अपनी वीडियो में दोहराया नहीं है,
क्योंकि अगर मैं दोहराने लगूँ वो वीडियो तो वो सब ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए और भी जो प्रश्नोत्तर आपको अगर देखना हो जो पिछले इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं वो सब आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि वो सारे वीडियो यूट्यूब पर मेरे हैं जिसमें सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक चीज़ और ये कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। और एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि लोग हैं जो नए लोग हैं वो और पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो मैं जो भी अपलोड करूँगा आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। और एक चीज़ ये और बताना चाहता हूँ इसमें एक्स्ट्रा है कि अक्सर पूछा जा रहा है कि आपका CCC के बारे में पूछा जा रहा है कंप्यूटर से कि CCC क्या है, कितने उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कितने महीने का कोर्स है या कितने घंटे का कोर्स है, तो इसके बारे में आप ज़रूर देख लें। ये सब पिछले वीडियो में मेरे डाला हुआ है। और इसके अलावा अपना तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन ये सब में कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हुए हैं, रोल नंबर क्या है, ये ज़रूर से आप याद कर लें क्योंकि ये सबसे पहला क्वेश्चन ही होता है कि आपकी योग्यता क्या है। ठीक है, अगर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।